हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कैसे आपको आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका मोबाइल नंबर जो खो गया है उसको हटाकर दूसरा लगवाना है या बंद हो गया है तो उसको चेंज कराना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स कैसे ये सारे के सारे प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा वॉच करें फ्रेंड्स, जिससे कि आप एक एक सेटिंग को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि फ्रेंड्स हमें करने से पहले समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने से पहले हमें उस चीज़ को जान लेना चाहिए। ओके, अगर फ्रेंड्स आप नए हो फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए, देखिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आप प्रेस कर दें और फ्रेंड्स इसके बाद छोटी सी घंटी का आइकन आएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर प्रेस कर देना है ऊपर आल पे, जिससे कि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी कारगर वीडियो, काम की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, कहाँ से आपको कैसे क्या करना है, कुछ भी सेटिंग आपको मिस नहीं करनी, कोई भी सेटिंग्स पूरा वॉच करना है फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो को कट किया तो आपका ये प्रोसेस अनकम्प्लीटेड रह जाए। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे जाना है मोबाइल की, इसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ओके, क्रोम ब्राउज़र में जाना है फ्रेंड्स, और आपको फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है फ्रेंड्स, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्रोम ब्राउज़र से अपने जहां पर आपको करप्शन करना है वहां पहुंच जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करना है वीडियो को वॉच करने के बाद में, क्योंकि फ्रेंड्स पहले प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, अगर आपको इस तरह से नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स और आपको बोलता है मोबाइल नंबर भरिए, तो फ्रेंड्स वहाँ मोबाइल नंबर भर देना फ्रेंड्स और आपको सेंड ओटीपी पे सेंड कर देना है, और वहाँ से ओटीपी कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में वहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपडेट आधार कार्ड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स, पेंसिल का आइकन आएगा फ्रेंड्स वहाँ पे क्लिक कर देना, तो फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और ध्यान रहे फ्रेंड्स आपको डेस्कटॉप साइट पे ही रखना है, इसके बाद में आपको अपना नाम डाल देना है यहाँ पे, जिसका भी आप कराना चाहते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं मान लेता हूँ एक आधार कार्ड मैं भर लेता हूँ एक लोग का नाम। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने नाम भर लिया फ्रेंड्स, अब मैं आधार नंबर इधर साइड में दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें मुझे आधार नंबर भर लेना है। ओके, तो मैं इसमें आधार नंबर भर लेता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आधार कार्ड का नंबर भर लिया है। अब नीचे जाते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। अब आपको देखना है क्या आपको अपडेट करना है, नाम अपडेट करना है या लिंक अपडेट करना है, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में ये अपडेट करना है, या आपको ईमेल आईडी अपडेट करना है, या आपको पता अपडेट करना है, या फिर जन्मतिथि, या फिर बायोमेट्रिक, या मोबाइल नंबर। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कि आप कुछ भी आधार कार्ड का कोई भी अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी, नाम से लेके बायोमेट्रिक तक। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे अभी मोबाइल नंबर अपडेट करना है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, मुझे मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो मैं इसमें दिखाई दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में नीचे लिखा हुआ है बढ़ना, या उसमें लिखा होगा इंग्लिश में नेक्स्ट, इस पर मैं ओके कर देना यहाँ पे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए कुछ, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर जो आपके पास है और जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं नंबर वो ही डाल दीजिए। ओके, तो मैं वो डाल देता हूँ फटाक से, तो देखिए मैंने नंबर डाल दिया। अब नीचे आता है कैप्चा, आप इस पर कैप्चा भर लेना अपना, अगर आप कैप्चा थोड़ा सा ये देखिए कैप्चा पे चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है बारकोड की जगह भरने के लिए, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट कर देना तो खुद चेंज हो जाएगा, इस पर दूसरा कैप्चा कर लेना। ओके, फिर से दूसरा कर लीजिए, आप शायद समझ में आ रहा होगा। ओके, इसको चेंज करते रहेंगे तो ऐसा कोई आ जाएगा, अब दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि भरना इसमें पहले सबसे पहले स्मॉल जी, स्मॉल ई, स्मॉल वाई, स्मॉल ए, फिर इसके बाद फोर भर देना है। ओके, सॉरी फाइव नहीं, फोर, और ओ टी पी सेंड में कर दीजिए क्लिक, ये आप सर ओ टी पी भेजें, सॉरी इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया और ओ टी पी भेज दिया गया आपके मोबाइल नंबर पर। देखिए फ्रेंड्स मेरे मैसेज आ गया ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं वहाँ से आपको कॉपी करके ओ टी पी इसमें डाल देता हूँ। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ओ टी पी मैंने कॉपी कर लिया, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद ओटीपी को सत्यापित करने के लिए ये ब्लू कलर का इसमें क्लिक कर देना है। ओके, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैंने क्लिक कर दिया, इसके बाद में कुछ ऐसा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम कम कर देना है, जैसे जूम कम करेंगे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सहेज और आगे बढ़े में, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह का आ जाएगा। जब फ्रेंड्स मेरा ये कैप्चा जो दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने डेस्कटॉप साइट को हटा दिया था फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट हटा के करेंगे तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स पहले डेस्कटॉप साइट पे रखना है, फिर इसके बाद में जब कैप्चा नहीं आए तो फ्रेंड्स डेस्कटॉप साइट पर से हटा देना है। कैसे हटाना है वो मैं बता, थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से डेस्कटॉप साइट को ओके कर देना, तो देखिए हटा हुआ है इसमें, और फिर सहेज पे, सहेज और आगे पे क्लिक करना चाहिए दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए फ्रेंड्स राउंड अप हो रहा है थोड़ा सा, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया ओके करने के बाद में। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जाना है फ्रेंड्स, इसको पढ़ना है और इसके बाद में
इस पर क्लिक कर देना साइड पे, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना ओके। फिर इसके बाद में इधर साइड में प्रस्तुत करें, इस पर क्लिक कर देना ओके। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर प्रस्तुत करने पे ओके करेंगे, राइट साइड पे होगा प्रस्तुत। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ओके। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको भी स्क्रीनशॉट ले लेना ओके। फिर इसके बाद में इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है बुक अपॉइंटमेंट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में डाकघर अपना चुन लेना है। इसमें देखिए पूरा पूरा प्रोसेस केंद्र का नाम नाम से खोजे फ्रेंड्स, आपके जो आसपास जो केंद्र पड़ता है फ्रेंड्स वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आधार कार्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स कोई भी कोई बनाता हो फ्रेंड्स, जो आधार कार्ड कंप्लीट प्रोसेस करता हो फ्रेंड्स, वहाँ का आप एड्रेस डाल सकते हैं ओके। इसके बाद में वहाँ का अपने वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए। नीचे देखिए नीचे अपने राज्य को चूज कर लीजिए, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, झारखंड है तो झारखंड, सिक्किम में जो भी आपका हो वो आप इस पर भर दीजिए ओके। सॉरी एक मिनट, इसके बाद में आपको फिर एक मिनट में थोड़ा ज़्यादा बैक आ जाता हूँ, फिर से चला जाता हूँ। राज्य भरने के बाद में आपको जिला भर देना है फ्रेंड्स ओके। आप इस पर इसके बाद डाकघर अपना चूज कर लेना है ओके। फिर नीचे जाते हैं, नीचे दिखा है ग्राम, अपना ग्राम या शहर नगर जो भी लगता है वो भर लेना है। फिर उसके बाद वितरण प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर देंगे आप, जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपको उसी तारीख को आपको जाना है, और फ्रेंड्स आपको अपना बायोमेट्रिक करवा के अपना 50 रुपये पे करके वहाँ पर अपना आधार कंप्लीट करवा सकते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपका आधार कार्ड आपके घर पर पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी आपको अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स मेरी एक इतनी सी मेहनत के लिए फ्रेंड्स ओके। सो फ्रेंड्स अगर आप इस माहौल में लॉकडाउन में आप अर्निंग करना चाहते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन घर बैठे कैसे करें कमाई, तो फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका प्लेलिस्ट दिया फ्रेंड्स, वहाँ से आप सारी वीडियो वॉच करें और वहाँ से खूब कमाई करें ओके। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।